अगर आपके पास भी है रेडमी पोको या फिर सौमी का स्मार्टफोन या फिर रेडमी K50i, तो भाई उन सभी लोगों को एक अपडेट मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो भाई मुझे कमेंट में बताना। वो अपडेट है भाई, ये 6-7 महीने बाद ये अपडेट आया, काफ़ी दिनों बाद, हाइपर ओएस का अपडेट, सौमी हाइपर ओएस का। MIUI 14 जो चल रहा था उसको अब बंद करके ये हाइपर ओएस को अपडेट दे दिया गया। अगर आपके फ़ोन में नहीं आया तो मेरे को ज़रा कमेंट में बताना, क्योंकि मुझे तो ये अपडेट मिल चुका है। इस अपडेट के आने का फ़ायदा ये होगा कि गाइस आपका फ़ोन और भी ज़्यादा स्मूथ चलेगा। वैसे तो यार पहले से ही बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बट अभी और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। चाहे आप गेमिंग करते हो, चाहे मल्टीटास्किंग करते हो, तो यार बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। और नए नए फीचर्स भी इसमें आ गए हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स। उसकी वीडियो में अगले उसमें बनाऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा आपको जो नए फीचर्स हैं, कोई कुछ अच्छे फीचर्स भी है कुछ तो यार, तो मतलब यूज़फुल है, ठीक है काफ़ी। और ये डायनेमिक आइलैंड वाला भी फीचर इनरोल किया हुआ है गाइस। उम्मीद करता हूँ कि यार आपको ये फीचर पसंद आएगा। अभी इस फीचर का मतलब सही से यूज़ नहीं किया है मैं, एक दो फीचर तो मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, जैसे ये होम स्क्रीन के ऊपर भाई ये जो अपना डिफरेंट डिफरेंट मोड इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस हिसाब से ये थोड़ा सा यूनिक लगा मुझे। हाइपर ओएस काफ़ी लो बजट स्मार्टफोन और हाई बजट सब हर किसी में ये आ रहा है, तो अगर आपके में आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो अभी पहले के टाइम पर किसी किसी में आ रहा था क्योंकि ये सही से लॉन्च नहीं किया था, बट अभी सबके स्मार्टफोन में आ गया। अगर आपके भी स्मार्टफोन में आ गया तो ज़रा कमेंट करके बताना। अगर कोई इससे रिलेटेड इशू आई है तो मेरे को ज़रा कमेंट में बताना।